अच्छा अच्छा जरूर बच्चे हैं इतने प्यारे बच्चे पाँच मिनट टाइम निकाल के आते हैं शायद ये बेचारी साहब जब फोन लग रहा दिख रहा ही है देखो ये बाओ ये बच्चा कितने मौसा की गोद में कितनी आसानी से बैठा हुआ है। हेलो बाबू ए तो देखो ये सब बच्चों को लेकर के खिला रहे हैं। हाँ वो देखो हाँ बड़ी मम्मी है बच्चे की और तो दोनों बड़ी मम्मी देखो खिला रही बच्चों को जो है तो इनसे पूछते हैं कि मतलब जब ये तीन बच्चे हुए तो कैसा लगा था जो कोई बुरा लगा था या अच्छा लगा था सब अच्छा लगा है अच्छा लगा। हाँ तुम्हें बताओ हाँ बोलो बोलो अच्छा लग रहा है बोलो ना हाँ हाँ बोलो ना अच्छा लग रहा है बढ़िया रहा अच्छा लग रहा है मतलब घर इसे भर गया जो आने से बच्चों के लिए अच्छा देखो खुशी में जो है यहाँ डांस भी हुआ था पूरा घर डांस कर रहा था झूम रहा था और ये दोनों बड़ी मम्मियाँ हैं इनकी ये काफी खुश हैं ये लोग जो है बच्चे को खिला करके और सभी लोग देखो यहाँ खड़े हैं जो इधर सब देखो जो अरे पापा जी फोटो बना चारों तरफ एकदम पूरे गांव में खुशी का माहौल है यहाँ पर बच्चे भी जो पीछे खड़े हैं सब लोग बड़े उत्सुकता से देख रहे हैं जो और इधर दोनों मौसी खड़ी हैं अपना घर में इस साइड में तो गाओ कुछ गाओ गाना हो अब देखो जो बड़ी मम्मी की गोद में बच्चे सो चुके हैं देखो जी सो रहे हैं और इधर बड़े दिन से लागल बहुदियनवा घर लाल नवा हुई हो राम बड़े दिन से लागल बहुया सरवा बड़े दिन से लागल बहुया सरवा घर मिलल नवा हुई हो राम सासु तनी देवता हो मानैला सासु तनी देवता हो मानैला चुनरी न गवा देवै हो रा सासु मति जाया हो बाहरवा सासु मति जाया हो बाहरवा घर लाल नवा बनै हो रा बड़े दिन से लागल बहुया सरवा बड़े दिन से लागल बहुया सरवा घर में लाया दिन बाहर जतनी अब देखो ये जो है सोहर चल रहा बच्चों के लिए जो मौसी गा रही है दोनों जने और बच्चे सो गए हैं देखो ये सो नहीं जा रहा बच्चा लेकिन वो भी अपना शाम तक बिल्कुल जो इनके गाने से ही बड़े दिन से लागल बहुया सरवा घर में ललनवा बहिनै हो रा सस जठनी पीपा और सब लोग इधर उधर देख रहे हैं जठनी पीपरी हो पीसै कंगना ने गवा देबै हो रा चंचल पंख हिलाती है फूल फूल पर कली कली पर इतना नीच लाती है
कितने सुंदर हैं पर इसके जगमग रंग रंगीले हैं। कितने तो गाइस देखिए कटहल का पेड़ है और इस पे कटहल के फल लगे हुए हैं। तो यहाँ पर सीढ़ी लगा करके और कटहल को काटने जा रहे हैं मौसा जी, और ये कटहल हम अपने गांव में ले जाएंगे, वहाँ बनेगा। तो देखो ये दराती से कटहल को काट रहे हैं और जो हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, इस पूरा बगीचा है, इसमें आम के भी पेड़ हैं, जामुन के भी पेड़ हैं। ये घर से बिल्कुल सटा हुआ है, टूटा फूटा देखो घर भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और इस तरह से जो है ये कटहल देखो ये कट गया है, मौसी हाथ में ले रखी है, अब ये हमको दिया जाएगा और हम लेके जाएंगे। यहाँ पर मोटरसाइकिल खड़ी है उसको बांध करके। तो इस प्रकार हमारी ये हमारे चैनल जिंदगी नामा 69 को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह की और वीडियो हम दिखाते रहें। तो आज का ये वीडियो समाप्त होने वाला है। जय हिंद।